सर ये 370 में ये भी प्रावधान है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग रहेगा, क्या 370 हटने से ये प्रावधान खत्म हो जाएगा? नहीं, उस 370 में ये प्रावधान नहीं है, लेकिन 370 में ये प्रावधान है कि आर्टिकल 1 लागू होगा, अर्थात जम्मू एंड कश्मीर का पूरा भाग भारत का हिस्सा होगा, लेकिन उनका एक हिस्सा अभी जो पीओ के बोलते हैं वो पाकिस्तान के कब्जे में है। पाकिस्तान ने जो हम इतना हल्ला मचा रहे हैं अपने यहाँ पर, पाकिस्तान ने एक वहाँ चालाकी की है कि पीओके को दो भागों में बांट दिया है। हमारे लिए तो पूरा वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यानी जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है, भारत में उसे पीओके कहा जाता है, वहाँ पर उसको उन्होंने दो भागों में बांट दिया है। एक भाग को कहते हैं आज़ाद कश्मीर उनकी भाषा, और दूसरा भाग है गिलगित बाल्टिस्तान। ये वही गिलगित बाल्टिस्तान एरिया है जहाँ से चीन अपना अभी जो है रोड और सी पैक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, और उसी का एक हिस्सा 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को वैसे दे दिया था, उसी हिस्से में से दे दिया था। और वो हिस्सा अगर आप मैप देखेंगे तो एकदम ऊपर के जम्मू कश्मीर के बॉर्डर में किनारे से है, जो चीन का हिस्सा बन गया है। हालांकि ये दोनों चीज़ें वहाँ से रोड निकालना और उस हिस्से को देना गैर कानूनी है, क्योंकि ये भारत की संप्रभुता का उल्लंघन है। भारत ने तब भी अपना विरोध दर्ज कराया था, अब भी विरोध दर्ज कराया है, और जो चीन का प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको मैरीटाइम सिल्क रूट बोलते हैं, उसमें इंडिया शामिल नहीं हो रहा है। उसका एक मुख्य कारण है कि इंडिया कह रहा है कि आप जिस तरह से अपने प्रोजेक्ट चलाते हो, दूसरे की संप्रभुता का ध्यान नहीं रखते, आता हम आपके प्रोजेक्ट का विरोध करते हैं, हम शामिल नहीं होंगे। तो उसके कारण उससे अब आपका सवाल यह है कि इस परिवर्तन से उस पर क्या फर्क पड़ेगा? उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो पाकिस्तान के कब्जे में है। इंडिया का दृष्टिकोण ये है कि वो पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जे में कर लिया है, क्योंकि जब 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के जो शासक थे हरी सिंह, उन्होंने जब दस्तखत किए थे भारत के साथ विलय के, तो वो हिस्सा भी जम्मू कश्मीर, वो जम्मू उस हिस्से के भी शासक थे, वो केवल भारतीय हिस्से के शासक नहीं थे, गिलगित बाल्टिस्तान और जिसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं उसके भी वही शासक थे। तो ये इन्होंने एक्चुअली जबरदस्ती, हम लोग जब 47 का युद्ध हुआ तो हम उनको पूरी तरह से नहीं वहाँ कर पाए, और पहले ही समझौता हो गया। अगर इन दोनों एरिया को भी खाली करा के समझौता होता तो पूरा हिस्सा आज हमारे इसमें होता। तो वहाँ भारत का दृष्टिकोण हमेशा से यही है कि वो अवैध रूप से पाकिस्तान में कब्जा कर रखा है, और वो जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारा है इसलिए वो हिस्सा भी हमारा। डॉक्टर एक बात ये बताइए कि तीन हिस्से, एक बात ये हो रही थी कि सरकार जम्मू कश्मीर को तीन हिस्सों में बांटे, उन्होंने दो में बांटा, एक जहाँ पर एक विधानसभा होगी लेकिन वो रहेगी केंद्र के उसमें, इससे क्या मतलब विकास होगा, इससे होगा क्या, इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, इससे ये पड़ेगा कि अब वो उस तरह की चीज़ें केंद्र को अपने कानून लागू करने के लिए, ये संविधान लागू करने के लिए बार बार वो तरीका नहीं अपनाना पड़े जो 370 के अंतर्गत वो अपना रहे। इसका मतलब ये हो गया कि भारत के संसद के कानून बनाने की शक्ति सभी मामलों में अब जम्मू कश्मीर के ऊपर होगी। एक बात और ये बताइए कि जम्मू कश्मीर जो एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, और वो एक क्या सामान्य राज्य नहीं रह जाएगा? वो सामान्य राज्य नहीं रहेगा, लेकिन सामान्य केंद्र शासित प्रदेश रहेगा जो उनको बनाया गया है। लेकिन वहाँ तो वही रहेगा ना, जैसे दिल्ली का है। नहीं, ऐसा तो पांडिचेरी में है, एक उपराज्यपाल रहेगा जिसके अंडर, वो केवल इंटरनल उसमें है, उनकी बहुत सीमित शक्तियाँ। विधानसभा का ढांचा मत देखिए आप, ये विधानसभा यूपी की विधानसभा के बराबर नहीं है या गुजरात की विधानसभा की, उनकी शक्तियाँ ही बहुत सारी सीमित है। मतलब लैंड ऑर्डर, डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेज, वो केवल इंटरनल असेस उसके लिए है, और वहाँ भी कभी भी केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। यूपी का मतलब यही है भाई, उसकी लैंग्वेज से केंद्र शासित ये हमने विशेष राज्य का, ये पांडिचेरी है, नीचे उतर के चला। हाँ, विशेष राज्य के दर्जे से अब राज्य का दर्जा नहीं रहा, अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो वो जिस तरह से पांडिचेरी दिल्ली है और दूसरे केंद्र शासित प्रदेश है, उसी तरह से है। अब ये भी मैं आपको बता दूं, अगर केंद्र सरकार चाहे तो असेंबली भी खत्म कर दे, इट कैन बी डन बाय पार्लियामेंट,
दिल्ली की भी खत्म की जा सकती है, क्योंकि उन्होंने ही क्रिएट किया था, यहाँ की भी खत्म की जा सकती है। ये तो एक क्योंकि कोई हम महत्व दे रहे हैं या कोई बड़ा है तो इस तरह की व्यवस्था हमने कर ली है, लेकिन उसकी कोई अलग से कोई लीगल उसका स्टेटस नहीं है विधानसभा होने से। एक जो इसमें बहुत लोग जान ये डिस्कस कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस में और पाकिस्तान की जो भूमिका है, पाकिस्तान को इस चीज़ का आभास था कि भारत कुछ ऐसा करने जा रहा है, तो उन्होंने कल या परसों इमरान खान ने कहा है कि दूसरे देशों से अपील किया है कि मध्यस्थता करके आप वहाँ करें और रीजनल क्राइसिस यानी क्षेत्रीय अशांति पैदा हो सकती है अगर भारत कुछ ऐसा करता है। ये उनका अपना दृष्टिकोण है, इससे कोई रीजनल अशांति नहीं है। नहीं। अगर रीजनल अशांति इससे है तो तब तो उन्हें रीजनल अशांति पैदा हुई जब 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया आपने चाइना को दे दिया, जब चाइना को कश्मीर से सड़क बनवा दी आपने, जब आप भारत की संसद पे हमला करवाया गया, जब मुंबई में हमला कराया गया पुलवामा, तब रीजनल क्यों नहीं हुआ? तब आपने क्यों नहीं किया कि भाई भारत बाहर के लोग आएँ और आतंकवाद का सामना करें? यूनाइटेड नेशंस में या उनकी समस्या तो वही है जो कांग्रेस की उन्हें विरोध करना। हाँ नहीं यूनाइटेड नेशंस, हाँ ये मैं जानना चाहता हूँ यूनाइटेड नेशन अब उसकी क्या भूमिका रही और क्या रहेगी। हाँ एक्चुअली क्या था, जो जब 1947 का वार चल रहा था तो इंडिया गया था यूनाइटेड नेशंस, पाकिस्तान नहीं गया था। इसको बहुत लोग कहते हैं हमारी गलती थी, खैर वो एक उस समय की परिस्थितियाँ थी। तो उसमें यूनाइटेड नेशंस में दोनों देश इस बात पर सहमत हुए थे कि हम युद्ध रोकते हैं, और उसको युद्ध विराम रेखा कहा गया, जिसे आप एलओसी बोलते हैं आजकल, 72 में उसका नाम एलओसी कर दिया गया था। उसको 1 जनवरी 1949 को यूनाइटेड नेशन का समझौता लागू हुआ था। दूसरी उसमें की गई थी कि यहाँ के लोगों की राय जानी जाएगी, जम्मू कश्मीर के लोगों की, वो किसके साथ जाना चाहते हैं। लेकिन उसकी ये शर्त रखी गई थी, वो 3 चरणों में था। पहला चरण उसका ये था कि पाकिस्तान, क्योंकि भारत ने ये भी कहा कि ये तो हमारे साथ फेल हो चुका है, तो बोले नहीं आप यहाँ तक रही, इसमें अपना कब्जा रखिए, लेकिन यहाँ की जनता की राय होगी, अंतिम फैसला वो। तो उसके पहला स्टेप ये रखा गया था कि पाकिस्तान उन इलाकों से अपनी सेना हटाएगा जहाँ पे उसने कब्जा किया है, यानी POK। तब उसके बाद भारत जो है नाम सजेस्ट करेगा जो प्लेबिसाइट करेंगे, यानी जनमत संग्रह कराएंगे, फिर वहाँ के अधिकारी आके जनमत संग्रह की व्यवस्था करेंगे, और तीसरा चरण होगा जनमत संग्रह का। लेकिन पाकिस्तान ने आज तक POK से या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से अपनी सेना नहीं हटाई। हटाई इसलिए नहीं कि उसे ये डर लग रहा है कि मैं सेना हटाऊं तो कहीं इंडिया ने कब्जा कर ले, लेकिन यूनाइटेड नेशंस को उसका भरोसा नहीं है। तो यूनाइटेड नेशंस ने बहुत समय, 7 दशक वेट किया, नाउ दिस इशू इज डेड फॉर यूनाइटेड नेशंस। अब पाकिस्तान दोबारा जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान जब तक POK को खाली नहीं करेगा उसकी उमंग पूरी नहीं होगी। ये जो हमने किया है हमारा इंटरनल मैटर, भाई पाकिस्तान ने भी तो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को अलग कर दिया, बल्कि पाकिस्तान ने ज़्यादा बड़ा परिवर्तन कर दिया कि एक तीसरे देश को वहाँ की ज़मीन दे दी। तो यूनाइटेड नेशंस ये चीज़ से सहमत नहीं है। हाँ फिर भी वो एक आधार पे जा सकता है कि इससे रीजनल पीस को खतरा है, मतलब इंडिया ने किया है वहाँ आंदोलन हो, यहाँ के लोग आंदोलन करें, या इस तरह की जो है अशांति फैलेगी, लेकिन वो भी यूनाइटेड नेशंस के लोग बेवकूफ़ नहीं है, वो देखेंगे कि इसमें रीजनल पीस है कि नहीं है। और यूनाइटेड नेशंस में अगर एक भी देश ने वीटो कर दिया तो बात वहीं खत्म हो गई। सो यूनाइटेड नेशंस को एक भारत विरोधी प्रचार के मंच के रूप में तो पाकिस्तान यूज कर सकता है, लेकिन भारत को वहाँ से कोई खतरा नहीं, कोई ऐसी स्थिति नहीं। अमेरिका क्यों इसमें बार बार ट्रंप साहब बोल रहे हैं कि देखिए ऐसा, ट्रंप की दो बातें हैं, एक तो ट्रंप की ये है कि वो उनकी कुछ स्टाइल ही है ज़्यादा बोलने की और पीछे हट जाने की। देखिए कोरिया में किया, ये वेनेजुएला में किया, ईरान में उन्होंने कहा आक्रमण कर रहे हैं फिर लौट गए वापस, तो पाकिस्तान में भी ये किया उन्होंने। लेकिन मैं इसकी व्याख्या केवल ये नहीं मानता कि अमेरिका के लोग इतने ना समझ हैं कि ट्रंप को नहीं समझते, उनको एक्चुअली क्या है, इस समय अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर जाना चाहता है। अफगानिस्तान से वो चाहता है कि मैं अपने 14,000 सैनिक वहाँ तैनात हैं, और वो तभी जा सकता है जब तालिबान के साथ जो उसको शांति वार्ता चल रही है उसमें समझौता हो जाएगा। लेकिन तालिबान समझौता नहीं कर रहे हैं क्योंकि विकास दे आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि बेसिकली उनकी ट्रेनिंग ही पाकिस्तान में आरंभ में हुई थी। तो
अमेरिका पाकिस्तान को ये चाह रहा है कि इन पे दबाव डालो ताकि समझौता कर ले ताकि मैं जाऊँ। तो ट्रंप को ऐसी चीज़ कुछ कहनी है जो पाकिस्तान को अच्छी लगे, अच्छी तो कश्मीर के ऊपर ये बात बोलनी चाहती है और क्या चीज़ हो सकती है। अदरवाइज जो अमेरिका पूरे विश्व की राजनीति कर रहा है वो नहीं जानता है कि शिमला समझौते में दोनों देशों ने समझौता किया था कि हम अपने विवादों का समाधान द्विपक्षीय आधार पर करेंगे, कि किसी पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। लाहौर में 99 में यही बात हुई थी। तो ये मतलब ये कई बार हो चुकी है बात, एक दो बार नहीं कई बार रिपीट हो चुकी है, लेकिन इसका मेन डॉक्यूमेंट तो बहत्तर का समझौता है, तो वो जानते हैं इसलिए वो दोबारा उन्होंने कुछ कहा नहीं। चीन भी जब पुलवामा का मामला हुआ तो चीन भी कह रहा था हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब पाकिस्तान ही पहले सहमत हो गया है तो वो क्यों बदल रहा है? तो इसका कोई वैल्यू नहीं, वो केवल पाकिस्तान को यूज करना चाहता है तालिबान वाले मामले में। और जिस दिन ट्रंप ने समझौता करके अपनी सेना ले गए तो ट्रंप को इस बात को भी दो मिनट नहीं लगेंगे कि पाकिस्तान में आतंकवाद हो, ये कहने में भी दो मिनट नहीं लगेंगे। क्या चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी हमको, ये तो विस्तृत माहौल मतलब मसला है और मुझे लगता है कि ये संसद में पास हो जाएगा कानून का। संसद में रिकमेंड करना है, संसद को सिफारिश करना है। और आपने देखिए उन्होंने कहा मैं तीन चार संकल्प रख रहा हूँ, ये संकल्प रिजोल्यूशन जिसमें कि हम सिफारिश करते हैं, ये भाषा है तो राष्ट्रपति को अधिकार है बदलने का, लेकिन वो अब वहाँ पे संविधान सभा नहीं है तो उसकी बजाय इनकी सिफारिश, ये बात और कुछ नहीं, उसकी लीगल